गुलबर्ग रेजिडेंशियम एक नया ब्लॉक लॉन्च किया गया है। इस ब्लॉक का नाम है गुलबर्ग रेजिडेंशियम एग्जेक्टिव 1 और एग्जेक्टिव 2 ब्लॉक। एग्जेक्टिव 1 जो कि पहले भी सोल्ड आउट था, लेकिन एग्जेक्टिव 2 ब्लॉक जो है नया लॉन्च किया गया है। आज की स्टूडियो में आपको डिटेल्स एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा गुलबर्ग रेजिडेंशियम इसकी लोकेशन कहाँ पे वाक्य है, प्लस इसके अलावा जो गुलबर्ग के अंदर इसकी एग्जैक्ट लोकेशन के साथ साथ ये इसकी एक खास बात यह है कि एक वाहिद प्लॉट है या वाहिद इन्वेंट्री ऐसी है जो फार्म हाउसेज के साथ एडजस्टेंट है। अगर मैं गुलबर्ग इस्लामाबाद की ओवरऑल डिटेल एक्सप्लेन करूँ तो गुलबर्ग इस्लामाबाद 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। नंबर 1 गुलबर्ग ग्रीन्स और नंबर 2 गुलबर्ग रेजिडेंशिया। इन दोनों प्रोजेक्ट को मिलाकर जो एक प्रोजेक्ट का नाम है उसका नाम है गुलबर्ग इस्लामाबाद। अगर आप गुलबर्ग में एंटर होते हैं तो शुरू का तकरीबन 6 से 7 किलोमीटर का जो आपको एरिया आता है वहां पर सिर्फ फार्म हाउसेज लोकेटेड है। अभी मैं इस वक्त गुलबर्ग रेजिडेंशिया के एंट्रेंस पॉइंट गुलबर्ग ग्रीन्स के एंट्रेंस पॉइंट पे हूँ और मेरे लेफ्ट साइड पर जो है वो गुलबर्ग ग्रीन्स एग्जेक्टिव ब्लॉक है जहाँ पे 4 और 5 साल के फार्म हाउसेज हैं और यहाँ पे कमर्शियल डिस्ट्रिक्ट भी है जिसका नाम है गुलबर्ग सिविक सेंटर। यहाँ पे छोटे प्लॉट्स हैं यानी 40x40 के प्लॉट हैं और 40x50 के प्लॉट यानी 6 मरले और 8 मरले के कमर्शियल प्लॉट्स हैं जहाँ पे आपको कुछ प्लाजे बने हुए नजर भी आ रहे हैं और बाकी सामने जो रेजिडेंशियल इन्वेंट्री यहाँ पे वो 4 और 5 साल के फार्म हाउसेज हैं। ये ओवरऑल जो गुलबर्ग ग्रीन्स का बिल्कुल स्टार्टिंग पार्ट है गुलबर्ग ग्रीन्स एग्जेक्टिव ब्लॉक, ये उसकी मैं आपके साथ डिटेल शेयर कर रहा हूँ। अभी आगे जाके मैं गुलबर्ग रेजिडेंशिया एग्जेक्टिव ब्लॉक में जहाँ पे एग्जैक्ट लोकेशन है इन न्यू कटिंग के प्लॉट्स की जिनमें 5 मरला, 7 मरला, 10 मरला और 1 नाल के प्लॉट्स लॉन्च किए गए हैं उस हवाले से एक्सप्लेन करूंगा। अब ये जो ग्रीन्स और रेजिडेंशिया में फर्क है बेसिकली वो ये है कि गुलबर्ग वैसे आमतौर पे तो काफी बड़ा प्रोजेक्ट है, आमतौर पे तकरीबन 1,25,000 कनाल के आसपास ये प्रोजेक्ट है, लेकिन शुरू के तकरीबन आप 45,000 कनाल की बात करें तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ फार्म हाउसेज लोकेटेड है और फार्म हाउसेज में भी 4 कनाल और 5 नाल, 10 नाल के इस्लामाबाद रावलपिंडी की जो नियरेस्ट डोमेन है। यानी अगर आप 0 पॉइंट देखें तो 0 पॉइंट से जो सबसे पहले आप जो बड़े प्लॉट्स की कैटेगरी आती है उनमें 2 ऑप्शन हैं, एक है चक शहजाद और दूसरे है गुलबर्ग ग्रीन्स। चक शहजाद में चूंकि जो जोन 4 बनता है सीडीए का वहाँ पे ओपन लैंड्स हैं और गुलबर्ग ग्रीन्स में जिस आमतौर पर सोसाइटीज में होता है प्रॉपरली प्लान के साथ इस तरह सोसाइटीज बनती हैं यहाँ पे, तो इस तरह गुलबर्ग ग्रीन्स में 4, 5 और 10 नाल के जो फार्म हाउसेज हैं वो अवेलेबल हैं। यानी अगर बात की जाए कि तरतीब से या प्लान के साथ या डिज़ाइन के साथ जो सोसाइटी है वो एक ही सोसाइटी है जिसका नाम है गुलबर्ग ग्रीन्स जहाँ पे 4 और 5 जहाँ पे बड़े प्लॉट के बड़े साइज के फार्म हाउसेज आपको अवेलेबल हैं। इस गुलबर्ग में मैं एंटर हो गया हूँ और मेरे लेफ्ट साइड पे जो आपको रोड पे कुछ प्लाजे बने हुए नजर आ रहे हैं ये गुलबर्ग की मेन बुलेवर्ड है। इसकी विड्थ है 220 फीट और इस पे राइट और लेफ्ट साइड पे दोनों साइड पे 8-8 कनाल कमर्शियल हैं। सिर्फ जो पहला कमर्शियल है ये 16 कनाल का है और बाकी इसके अलावा जितने कमर्शियल्स हैं वो 8-8 कनाल के कमर्शियल हैं जिनमें आपको बहुत सारे प्लाजे बने हुए नजर भी आ रहे हैं। लेफ्ट साइड पे मॉल ऑफ गुलबर्ग इस्लामाबाद, राइट साइड पे पहले समामा स्टार, फिर गुलबर्ग स्टार, फिर अभी जो नेक्स्ट थर्ड नंबर पे जो प्लाजा है उसका नाम है स्काई पार्क 1, 4th नंबर पर जो प्लाजा है इसका नाम है लक्सस मॉल, इसी में हमारा ऑफिस मौजूद है फर्स्ट फ्लोर पे, अस्करी बैंक के बिल्कुल ऊपर हमारा ऑफिस है गुलबर्ग का। और इसके लेफ्ट साइड पे जो रेजिडेंशियल इन्वेंट्री मौजूद है वो बनती है फार्म हाउसेज की, 4, 5 और 10 कनाल की फार्म हाउसेज हैं। इनफैक्ट गुलबर्ग काफ़ी ज़्यादा फेमस भी हुआ था पिछले दिनों लास्ट 1 ईयर में, उसकी वजह ये थी कि गुलबर्ग के अंदर जो एक परीजात बड़ा फेमस ड्रामा था वो गुलबर्ग के अंदर एक फार्म हाउस है उसी के अंदर रिकॉर्ड हुआ था, तो इस वजह से गुलबर्ग काफ़ी ज़्यादा फेमस भी हुआ था। अब ये जो राउंड अबाउट से मैं गुजर रहा हूँ, राउंड अबाउट के लेफ्ट साइड पर आपको रूट स्कूल नजर आएगा और राइट साइड पर टेलीनॉर का जो रीजनल हेड ऑफिस है यानी कि जो ओवरऑल एशिया का हेड ऑफिस है उसका आपको एरिया नजर आएगा, क्योंकि टेलीनॉर जिन भी कंट्रीज में काम कर रहा है तो लेकिन टेलीनॉर की जो मेन ऑपरेशनल ऑफिस है वो यहाँ पे बनता है गुलबर्ग ग्रीन्स के अंदर, जिसका रकबा 168 कनाल का रकबा इस वक्त टेलीनॉर के हेड ऑफिस का मौजूद है। और अभी हम मैं सेकंड ब्लॉक बी राइट साइड पे ही है राउंड अबाउट के और लेफ्ट साइड पे ब्लॉक ए ही है। अगर मैं प्लाजों की बात करूँ लेफ्ट साइड पे तो सबसे पहले हमारे जो आता है वो गुलबर्ग एरिना और गुलबर्ग एरिना के साथ गुलबर्ग हाइट्स और राइट साइड पर डायमंड मॉल है। अब ये हैं जो गुलबर्ग ग्रीन्स ब्लॉक ए और ब्लॉक बी के दरमियान जो 220 फीट रोड पे जो मेन कमर्शियल डिस्ट्रिक्ट या मेन कमर्शियल प्लाजे बने हुए हैं उनका जिक्र हो गया। अब आगे जाके मैं आपको पहले कुछ फार्म हाउसेज दिखाता हूँ और उसके बाद बाकी फिर दिखाऊंगा आपको जहाँ पे एग्जैक्ट लोकेशन बनती है गुलबर्ग रेजिडेंशिया एग्जेक्टिव ब्लॉक ए और ब्लॉक ए में भी आके 1 और 2 ब्लॉक हैं उनके हवाले से बताऊँगा। अब मेन रेजिडेंशिया को खास इसलिए भी कह सकते हैं कि आपके शुरू के जो 6-7 किलोमीटर की रेंज है उसमें सिर्फ और सिर्फ बड़े प्लॉट्स हैं और बड़े प्लॉट्स होने के साथ साथ यहाँ पे आपको देखेंगे तो पाकिस्तान की जो टॉप जेंट्री है ब्लॉक बी में मौजूद थे, तो वो इस तरह जितने पाकिस्तान की जेंट्री है वो गुलबर्ग ग्रीन्स में मिलेगी। अब मेरे जो लेफ्ट साइड प्लॉट है इस राउंड अबाउट के उस प्लॉट का नाम है 5-स्टार होटल का प्लॉट जिसपे मैरियट कोर्टयार्ड का कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया इंटेलिजेंस ब्यूरो एम्प्लॉयज कॉर्पोरेटिंग हाउसिंग सोसाइटी के साथ। अब मैं गुलबर्ग की लोकेशन से हटके इसके अगर डेवलपर्स की बात करूँ, इसके जो ओनर्स की बात करूँ, तो गुलबर्ग बेसिकली एक कॉपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है
जिस तरह इस्लामाबाद में जिना गार्डन्स हैं, जिस तरह इस्लामाबाद में फेडरल एम्प्लॉयज कॉपरेटिव सोसाइटी है, इस तरह ये सोसाइटी भी इंटेलिजेंस ब्यूरो एम्प्लॉयज कॉपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है। यानी कि आप कह लें कि इसमें 50% स्टेक्स गवर्नमेंट की हैं और 50% स्टेक प्राइवेट सेक्टर के होते हैं, तो इसलिए यहाँ पे आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो मोर देन सिक्योर होती है। अब मैं गुलबर्ग ग्रीन्स में ब्लॉक ए और बी क्रॉस करके अब ब्लॉक सी की तरफ आ गया हूँ। लेफ्ट साइड पे ब्लॉक सी है और जिस ब्रिज को मैं क्रॉस कर रहा हूँ इस ब्रिज का नाम है जावेद नूर ब्रिज, और राइट साइड पे जो आपको कुछ बिल्डिंग्स नजर आ रही हैं इन बिल्डिंग का नाम है कराकरम ग्रीन्स। और कराकरम ग्रीन्स की अगर मैं बात करूँ डेवलपर की, तो इन्होंने F11 में ऑलरेडी कराकरम हाइट्स और डिप्लोमेटिक इनक्लेव में इनकी बिल्डिंग है जिन पर इन्होंने काम किया है, और काफ़ी रिनाउंड डेवलपर जो बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे इनके 13 टावर्स हैं जिनके साथ की अभी आई थिंक थर्ड टावर पे काम हो रहा है, बाकी टावर्स की जो लैंड है वो ऑलरेडी रिजर्व हो चुकी है यहाँ पे और उसमें बाद में डेवलपमेंट होगी। लेकिन ये हाई राइज कमर्शियल के लिए यानी हाई राइज अपार्टमेंट बिल्डिंग के लिए ये एरिया जो है सबसे सूटेबल बनता है, क्योंकि ये सराउंडेड बाय फार्म हाउसेज है। यानी कि आपके लेफ्ट साइड पे गुलबर्ग ग्रीन्स ब्लॉक सी और राइट साइड पे गुलबर्ग ग्रीन्स ब्लॉक बी, इसके फार्म हाउसेज बनते हैं। अब फार्म हाउसेज की मैं बार बार हाईलाइट इसलिए कर रहा हूँ कि इस्लामाबाद में आपको फार्म हाउसेज किसी भी जगह पे प्लान सोसाइटीज में नहीं मिलते, और ये जो नया ब्लॉक लॉन्च हुआ है ये फार्म हाउसेज के साथ बिल्कुल एडजेसेंट है। अभी मैं गुलबर्ग ग्रीन्स ब्लॉक डी में आगे आ गया हूँ, डी ब्लॉक और ई ब्लॉक के जो सेंट्रल बुलेवर्ड है उस पर। अब मेरे लेफ्ट साइड पे जो है वो गुलबर्ग ग्रीन्स ब्लॉक डी है। अब ये प्लॉट्स हैं वो छोटे साइज के हैं, यानी कि 4-4 कनाल कमर्शियल हैं एज कम्पेयर टू जो शुरू में थे कमर्शियल्स वो 8-8 कनाल के कमर्शियल से। और यहाँ पे जो फार्म हाउसेज के साइजेस हैं वो यही हैं, 4 कनाल, 5 कनाल और 10 कनाल। मैं लेफ्ट साइड पे डी ब्लॉक की बात कर रहा हूँ, और मेरे राइट साइड पे जो ब्लॉक है उस ब्लॉक का नाम है गुलबर्ग ग्रीन्स ब्लॉक ई, और वहाँ पे भी सेम यही कटिंग्स हैं 4, 5 और 10 कनाल की। अब इन तीनों जो मैंने 6 डिस्ट्रिक्ट का जिक्र किया है, 6 ब्लॉक का जिक्र किया है, एग्जेक्टिव ब्लॉक, ब्लॉक ए, ब्लॉक बी, ब्लॉक सी, ब्लॉक डी और ब्लॉक ई, ये तकरीबन 7 किलोमीटर का रकबा यानी इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे से अगर आप एंटर होते हैं, शुरू का कुछ पार्ट कह लें तकरीबन 500-600 मीटर का जो पार्ट है वहाँ पे भट्टी टाउन नाम से एक छोटी सी कॉलोनी है। उसके अलावा जो आपको शुरू में एंटर होते हैं एग्जेक्टिव ब्लॉक से लेकर यहाँ तक 7 किलोमीटर के रकबे पे सिर्फ और सिर्फ फार्म हाउसेज हैं, और फार्म हाउसेज भी ऐसे स्टेट ऑफ द आर्ट बने हुए हैं कि अगर आप इमेजिन करें तो यहाँ पे 5 कनाल का जो फार्म हाउस है उसकी वर्थ जो है अराउंड 42-45 करोड़ रुपीज़ उसकी कंस्ट्रक्टेड फार्म हाउस की वर्थ बनती है। ये टोटल फार्म हाउसेज की यहाँ पे एक गुलबर्ग ग्रीन्स के अंदर। अगर मैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की बात करूँ तो इनिशियली यहाँ पे जो 4 कनाल का फार्म हाउस है वो लॉन्च किया गया था 1.25 करोड़ रुपये का, यानी कि अप्रॉक्सीमेट अगर देखा जाए तकरीबन 35 लाख पर कनाल के हिसाब से यहाँ पे रेट था, या 30 लाख पर कनाल के हिसाब से आप रेट कह लें इनिशियल लॉन्चिंग थी। उसके बाद आजकल अगर आप रेट चेक करें तो 8.5 से 9 करोड़ रुपये का आपको एवरेज फार्म हाउस मिलता है, और ये मार्केट के हालात ख़राब होने के बाद है, यानी कि आज की हालात में पाकिस्तान की मार्केट रियल इस्टेट की बहुत ज़्यादा डाउन है, तो इस वजह से ये रेट्स हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे जो ईस्ट रोड में गुजरा हूँ ये रोड लेफ्ट साइड पे जो फार्म हाउसेज हैं, और राइट साइड पे आपको जो कुछ बिल्डिंग्स नज़र आ रही हैं इन बिल्डिंग में बेसिकली गुलबर्ग ड्रीम हाइट्स है, और एग्जैक्ट इनकी बैक साइड पे इनकी राइट साइड पे ये जो नया ब्लॉक लॉन्च हुआ है एग्जैक्टिव ब्लॉक वो लोकेट करता है। अब ये फार्म हाउसेज की एक अच्छी बात ये कि ये बिल्कुल एंडिंग पार्ट पे हैं और ये सारे के सारे फार्म हाउसेज डेवलप्ड हैं और पोजेशनेबल हैं। अब आगे जाकर एग्जैक्ट लैंड जहाँ स्टार्ट होती है एग्जैक्टिव ब्लॉक 1A की, वो लैंड आपको दिखाता हूँ फिर दूसरे रास्ते से जहाँ से गुलबर्ग रेजिडेंशियल ब्लॉक स्टार्ट होता है, मैं उस साइड से आपको दिखा दूंगा। और इस वीडियो के सेकंड पार्ट में मैं ट्राई करूंगा कि मैं ड्रोन की फुटेज से आपको डिटेल्स एक्सप्लेन कर सकूं। ये फॉर द टाइम बीइंग एक आप कह लें कि स्ट्रीट फुटेज है जिसमें आपको आइडिया हो जाएगा कि एग्जैक्ट लोकेशन इसकी क्या बनती है। हमारे सामने आपको जो टीले नजर आ रहे हैं स्टीलों पे सारा एरिया जो बनता है ये गुलबर्ग रेजिडेंशियल एग्जैक्टिव ब्लॉक A2 का बनता है जिसकी लॉन्चिंग की गई है स्टार मार्केटिंग के थ्रू। और अभी यहाँ पे जो प्लॉट्स अवेलेबल हैं वो 5 मरला, 8 मरला, 10 मरला और 1 कनाल के प्लॉट्स अवेलेबल हैं। ये जो कच्चा रास्ता आपको नजर आ रहा है सारे का सारा ये इस वक्त गुलबर्ग रेजिडेंशियल ब्लॉक A2 की तरफ जाता है, और लेफ्ट साइड पे जो बिल्डिंग्स हैं इनकी बैक साइड पे बनता है वो। अब मैं ये ग्रीन्स वाली साइड से आपको दिखा दिया, मैं ब्लॉक A गुलबर्ग रेजिडेंशियल उस तरफ जाता हूँ, उससे आपको काफी अच्छा आइडिया हो जाएगा कि ओवरऑल जो लोकेशन है ब्लॉक सी वो क्या बनती है। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं यहाँ पे छोटे प्लॉट के साइज को तो बड़ी फिजिबल इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि अगर मैं लोकेशन के हिसाब से बात करूँ तो 5 मरला का जो रेट यहाँ पे ऑफर किया जा रहा है वो किया जा रहा है 50 लाख रुपए, तो 50 लाख यानी कि 10 लाख पर मरला। और यहाँ पे जो मरला है वो बड़े साइज का है, यानी यहाँ पे 5 मरला 25-45 का नहीं है, यहाँ पे 5 मरला 25-50 का है। तो यहाँ पे 7 मरला जो प्लॉट है वो 30x55 का नहीं है या 30x53 का नहीं है, 30x60 का है। जनरल जुबान में बात की जाए तो 5 मरला जो है तकरीबन 6 मरला प्लॉट बनता है, 5.6 मरला, और इसके अलावा जो 7 मरला प्लॉट है वो 8 मरला प्लॉट बनता है। और यहाँ पे जो 10 मरला का प्लॉट है वो है 35x70 का। आमतौर पर सोसाइटीज में जितनी भी सोसाइटीज इस्लामाबाद में नहीं लॉन्च हो रही हैं उनमें 35x65 का 10 मरला प्लॉट होता है, मां सिवाय फैसल डाउन के बाकी हर जगह पे 35x65 का प्लॉट है। यहाँ पे 35x70 का प्लॉट है 10 मरला का। कनाल का प्लॉट हर जगह कॉमन है 50x90 का। स्क्वेयर यार्ड में बात की जाए तो 500 गज।
मेरे लेफ्ट साइड पर जो है रिफा यूनिवर्सिटी आपको नजर आ रही है, रिफा यूनिवर्सिटी प्लस मेडिकल कॉलेज। यहाँ पे आपको इस वक्त ये प्रॉपर ऑपरेशनल है और जो आपको ये बसेज वगैरह खड़ी नजर आ रही हैं, ये उन स्टूडेंट्स के ट्रांसपोर्ट वगैरह के लिए जो रूटीन में यूज होती हैं। तो ये गुलबर्ग ग्रीन्स के खत्म, ये जो लास्ट राउंड अबाउट था यहाँ पे गुलबर्ग ग्रीन्स खत्म हो जाता है और गुलबर्ग रेजिडेंशियल का पार्ट आगे स्टार्ट हो जाता है। अब आगे जो मैं जिस रोड पे आगे लेफ्ट लूंगा, इस रोड का नाम है स्पोर्ट्स एवेन्यू और स्पोर्ट्स एवेन्यू से इसकी वेट बनती है 180 फीट और इसके लेफ्ट साइड पर जो है सारा का सारा एग्जेक्टिव ब्लॉक वाक्य है और राइट साइड पे सारे का सारा गुलबर्ग रेजिडेंशियल ब्लॉक ए वाक्य है। लेफ्ट साइड पे एग्जेक्टिव ब्लॉक ए और राइट साइड पे वैसे गुलबर्ग रेजिडेंशियल ब्लॉक ए। गुलबर्ग ब्लॉक ए में जो रेट्स हैं इस वक्त, कनाल का प्लॉट आपको तकरीबन 3 करोड़ का मिलता है और जो 10 मरला का प्लॉट है तकरीबन आपको 1.25 करोड़ से 1.45 करोड़ का, और जो यहाँ पे 7 मरला का प्लॉट है 30x60 का, उस प्राइस ब्रैकेट जो यहाँ पे बनती है ब्लॉक ए में वो बनती है तकरीबन आपकी 80 से 85 लाख या 90 लाख तक जाती है। ये सारा आपको यहाँ पे गुलबर्ग रेजिडेंशियल में इस वक्त रेट साइड पे यहाँ पे सोसाइटी की तरफ से 3 साल के प्लान पे जो ऑफर की गई चीज 1.65 करोड़ रुपए में आप यहाँ पे कनाल का प्लॉट बाय कर सकते हैं, दैट टू ऑन 3 ईयर इंस्टॉलमेंट प्लान। ये मेरे आपको सामने जो टीले नजर आ रहे हैं सारा का सारा एरिया गुलबर्ग रेजिडेंशियल का बनता है और इसमें सारे में भी जो है नई रेजिडेंशियल कटिंग जो है वो लॉन्च की गई है। तो ये थी ओवरऑल गुलबर्ग रेजिडेंशियल ब्लॉक ए, जो एग्जेक्टिव ब्लॉक ए 2 की साइड लोकेशन। आने वाले वीडियो में इंशाल्लाह मैं इसको आपको बाकी जो तमाम डिटेल्स हैं वो एक्सप्लेन कर दूंगा, प्लस जो रेट्स हैं, साइजेस हैं, ओवरऑल जो गूगल अर्थ पे मैप पे लोकेशन है, तमाम चीजें आपको आने वाले वीडियो में इंशाल्लाह एक्सप्लेन कर दूंगा। सो व्यूअर्स, दिस वाज इट फ्रॉम टुडे। अगर आपको गुलबर्ग रेजिडेंसी, गुलबर्ग ग्रीन्स में बुकिंग के वाले से या रीसेल के वाले से कुछ मालूमात चाहिए हो तो दिए गए नंबर पर रब्ता करें, सब्सक्राइब करना। रिजवान चीमा को दीजिए इजाजत अगली वीडियो तक के लिए, खुदा हाफिज़।